टेस्ला का आने वाला गीगा फैक्ट्री गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बड़ी खबर के बारे में, टेस्ला का आने वाला गीगा फैक्ट्री। क्या ये संभावना है कि यह गीगा फैक्ट्री गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु में बनेगी, हम इस पर चर्चा करेंगे। टेस्ला, जो दुनिया भर में अपनी बिजली चालित गाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ने भारत में अपना पैर जमाने का फैसला किया है। विगत कुछ हफ्तों में गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में टेस्ला के गीगा फैक्ट्री के लिए स्थान चयन के बारे में कई रिपोर्ट्स आ रही है। सबसे पहले गुजरात सरकार ने टेस्ला को विभिन्न सुविधाओं और समर्थन के साथ गीगा फैक्ट्री के लिए स्थान प्रदान करने का आलोचना की है। इसके अलावा ब्रांड की पहचान और तकनीकी अग्रगता को ध्यान में रखते हुए गुजरात एक बड़ा उम्मीदवार है। दूसरे राज्य महाराष्ट्र ने भी टेस्ला को गीगा फैक्ट्री के लिए प्रेरित किया है। यहाँ के औद्योगिक विकास और बड़े बाजार के कारण यह एक रोमांचक विकल्प हो सकता है। और फिर है तमिलनाडु। यहाँ के अच्छे परिवहन सुविधाएं और औद्योगिक बेस के कारण टेस्ला को यहाँ गीगा फैक्ट्री बनाने के लिए विचार कर रहा है। इस चरण में हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि टेस्ला क्या क्या बातें ध्यान में ले रहा है जब वह इन राज्यों में से कोई एक को चुनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर। 1. टेस्ला एक मॉडर्न और सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर की तलाश कर रहा है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, ऊर्जा और सुरक्षा सुनिश्चित हो। सरकारी समर्थन। 1. टेस्ला उस राज्य को पसंद करेगा जो उसे सरकारी समर्थन और अन्य अनुदानों का अच्छा प्रदान करता है। बाजार का आकार। 1. बड़े बाजार के कारण वहां की आपसी प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखा जा रहा है। इस समय आप यह नहीं कह सकते कि टेस्ला कौन सा राज्य चुनेगा, लेकिन हम सब इसका इंतजार कर रहे हैं। हमें आपके साथ इस रोमांचक यात्रा पर बने रहने का अभिगम है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि आप हमारी आने वाली अपडेट से विचित रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।